साइकिल से भी चलते हैं सर, पैदल भी चलते हैं सर, पैर में छाले आ गए हैं सर, पैर भी दर्द करता है और बहुत परेशानी है सर। भले ही केंद्र और राज्य सरकार की पहल के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद देश में मजदूरों का पलायन जारी है। पैदल ही मजदूर अपने घर के लिए निकल पड़े। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनके पैरों में छाले पड़ गए। आलम है कि कन्नौज पहुंची एक महिला मजदूर को रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ गया। इसके बाद भी उनके हौसले नहीं टूटे और पैदल ही रुक रुक कर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। वहीं जब कुछ मजदूरों से उनके इस पलायन की वजह पूछी गई तो उनके जवाब ने ही सारा दर्द बयां कर दिया। हमने सर इसलिए छोड़ दिया सर कि हमको वहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रहा था और बाल परिवार हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमको घर जाना था। इच्छा में लॉकडाउन में क्या समस्या हुई? लॉकडाउन में समस्या हो गया श्रीमान जी, हमारा काम और धंधा जो था वो सब बंद हो गया। कोई काम न कोई धंधा चला, न कोई ठेकेदार न कोई मिस्त्री मिला। सरकार ने ट्रेन और बस चलाई है, उससे क्यों नहीं आए श्रीमान जी? हमारे पास न पैसे न रुपए, हम लोग कैसे आते हैं? हमारे पास इतने पैसे होते तो हम खुद ही चले जाते अपने वाहन या कुछ भी करके, लेकिन हमारे पास इतना औकात नहीं है कि हम जा सकते हैं। शासन से हम अपना मदद मांगना चाहते हैं श्रीमान जी। ये तो पता ना है कितने दूर हो गई, मगर हम लोग पैदल रेंग रहे हैं। 1000 किलोमीटर हो चुके हैं और 1000 किलोमीटर अब हम लोग इस अंदर चौकी में आए हैं हम लोग मदद मांगने के लिए सर। हमारे कोई मदद होना चाहिए घर पहुँचाने के लिए। अब आप चल नहीं पा रहे हैं? अब नहीं चल पा रहे हैं सर। करीब 10 दिन का सफर तय करने के बाद मजदूर कई किलोमीटर की यात्रा कर यूपी तक तो आ गए, लेकिन यहां आते ही उनके पैरों में पड़े छालों ने जवाब देना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि वो जब घर के लिए निकली थी तो गर्भवती थी, लेकिन उसने रास्ते में ही बच्चे को जन्म भी दे दिया। हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं, हमको कोई गाड़ी का साधन मिल जाए। बच्चा कितने दिन का हो गया? 8 दिन का बच्चा हो गया। कितने दिन का? 8 दिन का बच्चा हो गया। कितने दिन हो गए चलते चलते? चलते चलते तो कम से कम 10-15 दिन हो गया। अब आप लोग चल नहीं सकते? हम नहीं चल सकते, थक गए हैं, काल चक्कर आ गया, गिर गई। आप लोग कहाँ पे आए हैं? ये तो कोई पता नहीं मैं कहाँ पे आई, मैं गाँव ना जाना। शायद ही आजाद भारत में मजदूरों के इतने बड़े पैमाने पर हुए पलायन की ऐसी तस्वीर किसी ने देखी हो, लेकिन बड़ा सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर उठता है। जब सरकार की तरफ से सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात कही जा रही है, तो उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।